इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ राशि और लगन वालों के लिए अक्टूबर 2021 का गोचर कैसा रहेगा। तो इस वीडियो को आप अपने लगन से ही फॉलो कीजिए। अगर आप लगन से फॉलो नहीं करना चाहते, आप राशि से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। तो जिनको लगन का पता हो अपने लगन का, वो लगन से ही देखें। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में, कौन सी कहाँ क्या स्थिति रहेगी, क्या रिजल्ट मिलेंगे। साथ साथ में हम कुछ अच्छे दिन और कुछ बुरे दिनों की बात भी करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि और लगन स्थान के स्वामी शनि से शुरू करते हैं। शनि का देखिए गोचर 12वें भाव में फिलहाल शनि चल रहे, और ये आपके लिए फिलहाल जो शनि का गोचर है वो थोड़ा कष्टकारी साबित हो रहा होगा। कुछ लोगों ने जेल यात्रा भी करी होगी, कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी रही होंगी, और काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं, काफ़ी सारे जो काम है वो आपके पेंडिंग रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो शनि है, शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, और इस महीने में 11 अक्टूबर के बाद से ये मार्गी हो रहे हैं। तो 11 अक्टूबर से जो आपका समय है वो अच्छा आएगा, और उसमें कुछ ना कुछ जो अभी जो कंडीशन चल रही है कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो शनि का ये गोचर आपको काफ़ी तकलीफ दिया होगा, और जिनकी कुंडली में मान लीजिए शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, उनको हालांकि ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर शनि फिलहाल वक्री चल रहे हैं, तो वक्री है तब तक आपको 11 अक्टूबर तक अगर हेल्थ खराब चल रही है, या मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस मुकदमा वगैरह हो गया, तो उन सब में अभी आपको राहत नहीं मिलने वाली। 11 अक्टूबर के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग कहीं मान लीजिए जेल वगैरह में हैं, या कोई अन्य कोई काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे वो बहुत मुश्किल में हैं, तो उनको थोड़ी सी यहाँ पर राहत मिलेगी, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए स्पिरिचुअल बनने के लिए बहुत ही अच्छा योग फिलहाल ये बना हुआ है, तो इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल कार्य करेंगे, और इन कार्यों में काफ़ी इंटरेस्ट भी लेने वाले हैं, क्योंकि साथ में गुरु युति कर रहे शनि के साथ। तो ऐसे में ये महीना आपके लिए स्पिरिचुअल होने का रहेगा। ऐसे में थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है। तो यहाँ देखिए ये जो शनि है आपके 12वें भाव का शनि है, ऐसे में कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो खासकर 11 अक्टूबर तक आपका कोई भी निर्णय लिया गया सही नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जहाँ पर आपको असफलता मिल सकती है, जहाँ पर कोई काम आपका आगे नहीं बढ़ेगा, एक ब्रेक सा लग गया होगा। तो ऐसी ही कंडीशन फिलहाल कुछ लोग जो फील कर रहे हैं, तो यहाँ आपको रिलीफ मिलेगा 11 अक्टूबर के बाद। और जैसे जैसे अभी समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब आपके जो दिन हैं वो काफ़ी बेहतर होते जाएंगे। तो यहाँ जो कि देखिए राशि और लगन स्थान की स्वामी है शनि, ऐसे में हेल्थ को लेकर भी काफ़ी दिक्कत आपको आई होगी, काफ़ी ज़्यादा आप वीक महसूस कर रहे होंगे, हेल्थ को लेकर बहुत सारी समस्याएं फिलहाल आप फेस कर रहे होंगे, तो उन सब में आपको राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही देखिए शनि क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं वो थर्ड हाउस को, तो थर्ड हाउस को देखने से आपके खुद के लिए काफ़ी सारे खर्चे, कुछ दान दक्षिणा वगैरह भी करवा रहे होंगे, ऐसे कार्य भी करवा रहे हैं। साथ में देखिए यहाँ पर जो कुंभ राशि या लगन वालों के लिए अगर देखा जाए, तो इस महीने में आपके लिए काफ़ी सारे पैसे खर्च होने का योग बन रहा है। और यहाँ अगर हम आगे बढ़कर बात करें गुरु के बारे में, तो गुरु देखिए आपकी कुंडली में लाभ स्थान और जो सेकेंड हाउस उसके स्वामी है, ऐसे में इस महीने आपको खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर गुरु के गोचर की बात की जाए तो ये मकर में वक्री रहने वाले, ऐसे में आपका मान लीजिए कोई भी खर्चा जो पेंडिंग रह गया था वो आप इस समय कर सकते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल कार्य के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने खान पान के लिए काफ़ी सारे खर्चे करेंगे, और घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेहत के लिए भी खर्चे हो सकते हैं। तो 12वां गुरु है फिलहाल आपको, और ये 20 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। 20 नवंबर तक की जो कंडीशंस हैं उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है धन वगैरह को लेकर। इसके अलावा अगर गुरु कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हों तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, हालांकि ये गुरु नीच के भी हैं और इनका नीच भी भंग हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर आपको धन का खर्चा जरूर होगा, और ये जो खर्चा होगा वो शुभ कार्यों के लिए होगा या हेल्थ के लिए होगा, किसी की हेल्थ के लिए हो सकता है यहाँ पर। अब शनि और गुरु युति कर रहे हैं 12वें भाव में, ऐसे में ये देखिए बेडरूम का भाव है और ये मोक्ष का भाव भी है। तो जो लोग मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मोह माया जैसे जो जिंदगी है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में आप कोई मंत्र जप या कोई साधना, कोई उपासना इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गुरु हैं वो सेकेंड हाउस के भी स्वामी हैं, तो आपका जो जमा धन है उसमें भी काफ़ी यहाँ पर खर्चा देखने को मिल रहा है, और जो आपको लाभ मिलना है वहाँ भी आपके काफ़ी सारे खर्चे यहाँ पर होते जाएंगे। तो एक तरह से पैसा नहीं बचेगा, पैसे के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ तरसा सकता है गुरु। उसके बाद जैसे ही ये आपके कुंभ में आएगा, तो कुंभ में आने के बाद बहुत अच्छा आपको धन योग बनेगा, भाग्यशाली रहेंगे। तो
इनका जो अगला गोचर है वो आपके लिए काफी बेहतर जाने वाला है। अगर उस गोचर का आप वीडियो देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप राहु का मेष राशि वाले गोचर का वीडियो भी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ थर्ड हाउस के स्वामी मंगल के बारे में। तो मंगल का जो गोचर है, देखिए मंगल जा रहे हैं कन्या राशि में और इस महीने ये कन्या राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में अष्टम भाव में रहने वाले हैं, आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं और टेंथ हाउस के भी स्वामी हैं। तो जॉब को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है। जॉब में अगर बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सारी जो भी समस्याएँ आपको फिलहाल आ रही थी उनमें अभी राहत नहीं मिलने वाली। साथ में क्योंकि लग्नेश भी अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसे में को थोड़ी परेशानियां आने वाली हैं। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जॉब छूट सकती है, जॉब को लेके अच्छा समय नहीं है। साथ में थोड़ा स्ट्रगल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप इस समय थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह से सावधान रहें और आपके अपने इन लॉज से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आपके जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी आपको आएगी, कोई ना कोई विवाद हो सकता है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो मंगल हैं वो तृतीय भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं और ये यहाँ पर टेंथ हाउस के भी स्वामी होकर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आने ही वाली है, भले ही वो प्रॉपर्टी के मामले में आने वाली हो, भले ही वो किसी भी प्रकार से आने वाली हो। तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है मंगल की, इस वजह से इनका जो प्रभाव रहेगा आपकी वाणी पर भी रहेगा, वाणी में हो सकता है थोड़ा बदलाव आएगा और आपको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा भड़क सकता है। तो देखिए अगर आप ट्रेवल करते हैं, अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी भी यहाँ पर रखनी होगी, कोई एक्सीडेंट वगैरह होना, दुर्घटना होने का चांसेस यहाँ पर बन रहे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखिए मंगल के गोचर की अगर बात करें तो 22 अक्टूबर तक ही मंगल यहाँ कन्या राशि में, उसके बाद ये तुला में जा रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ बाहर जाने का अगर प्लान कर रहे हैं आप, या फिर कहीं दूर जाने का प्लान कर रहे हैं अपने जॉब को लेके, तो आप वो कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई टूर हो सकता है। साथ में धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तुला का जो मंगल होगा वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा यहाँ पर, और दूर के आपके जो यात्राएं होंगी, दूर के जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनसे काफ़ी फायदा आपको मिलने वाला है। साथ में आप अपने जॉब में काफ़ी अच्छी मेहनत करेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं जॉब को लेकर, उनको काफ़ी फायदा होगा। साथ में अगर आपका दूसरे किसी स्टेट से जुड़ा हुआ जॉब है तो उसमें आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलने वाले। अब यहां पर हम शुक्र की बात करते हैं। देखिए शुक्र यहां फोर्थ हाउस के स्वामी और वो नाइन्थ के भी स्वामी हैं। साथ में शुक्र की जो यहां पर युति रहेगी केतु के साथ रहेगी और ये वृश्चिक में गोचर करने वाले, तो इनका गोचर 2 अक्टूबर से वृश्चिक में स्टार्ट हो जाएगा। यहां का ये आया हुआ शुक्र आपको काफ़ी अच्छी हेल्प करवा सकता है आपके काम में, विशेषकर स्त्रियों से आपको बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ देखिए केतु के साथ इनकी युति हो रही, राहु की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में देखिए शुक्र है वो धन को रिप्रेजेंट करता है, पुरुषों के लिए उनके वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपके लाइफ पार्टनर को आ सकती है सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो। और कहीं ना कहीं उनका जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो यहाँ शुक्र है वो धन का कारक होने की वजह से पैसे के लिए भी थोड़ा सा आपको तरसाएगा। हालांकि जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो टीवी चैनलों पे लगातार अपने शो करते रहते हैं, उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। बट यहाँ आपका जो जॉब है उससे कहीं ना कहीं असंतुष्टि आपको यहाँ पर नज़र आएगी। आप जिस प्रकार का टारगेट लेकर चल रहे वैसा टारगेट आपको हासिल नहीं होगा, हालांकि आप मेहनत काफ़ी ज़्यादा करेंगे। साथ में अगर घर से दूर का आप कोई जॉब कर रहे हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। तो शुक्र का केतु के साथ आना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो केतु वाली जो फीलिंग्स है वो आने वाली। तो ऐसे में आप चाहें तो अभी जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जॉब चेंज करने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं तो आप रिजाइन ना करें, वरना ये हो सकता है आप किसी ना किसी वजह से अपने जॉब से रिजाइन कर देंगे या खुद आपको कहीं से हटा दिया जाएगा जॉब से। तो ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं और कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आ सकती हैं, विशेषकर स्त्रियों से आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है, आपके पार्टनर को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो कंडीशन बन रही है कुछ इस प्रकार से बन रही है, और हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना रहे, साथ ही आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी देखेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके जो कार्यस्थल है उस पर अगर
आपके ऑपोजिट सेक्स के जो लोग काम करते, मान लीजिए अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्रियां, तो उनसे थोड़ा सा जो व्यवहार है आपका अच्छा होना चाहिए और उनसे आपको सपोर्ट लेना हो, सपोर्ट हालांकि मिलेगा बट किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप दुर्व्यवहार करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए बुध पंचम के स्वामी हैं और वो अपने घर में अष्टम में यहाँ गोचर कर रहे हैं, लेकिन बुध के लिए अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक ये वक्री रहने वाले अपने इसी स्थान में। अब ये जो 18 अक्टूबर तक का समय है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको लाने हैं, कुछ ना कुछ मान लीजिए रिसर्च से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उन कार्यों में आपको बुध यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। साथ में आपके जो इनलॉज हैं उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपके लाइफ पार्टनर का कम्युनिकेशन आपकी और अपनी खुद की फैमिली से और अपने जो उनके घर वाले उनसे भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो सकता है आपका जो लाइफ पार्टनर होगा काफ़ी ज़्यादा अपने विचारों को शेयर करेगा और आप भी उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने वाले, तो यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन होगा, कुछ ना कुछ बातचीत होगी आपके और आपके इनलॉज के बीच में। साथ में मंगल यहाँ पर साथ है तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होना, कुछ विवाद भी होना बन सकता है। पैतृक संपत्ति की बात करें तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति में फ़ायदा हालांकि ज़रूर होगा लेकिन मंगल है साथ में तो मंगल फायदा भी करवाने वाला है और कोई विवाद को भी जन्म दे सकता है। इसके अलावा ये जो बुध है वो रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी या कोई भी अकल्ट का कोई भी क्षेत्र हो उससे जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेहतर है, उनको अपने जो एजुकेशन है भले ही आप कोई सा भी फील्ड हो आपका उसमें काफ़ी गहराई से आप पढ़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए बुध का जो प्रभाव रहेगा वाणी पर भी रहेगा, तो आपकी वाणी पर काफ़ी अच्छा प्रभाव यहाँ पर बुध देने वाले अपनी यहाँ पर वो नीच की राशि को देखेंगे और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी जो वाणी है उससे कई बार हो सकता है अपशब्द भी निकल सकते हैं, तो आप ऐसा ना करें, किसी के साथ भी अगर आप ऐसा करते तो आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। साथ में अपने फैमिली के साथ अच्छे संबंध रखें और खान पान में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। अब यहाँ पर जो बुध हैं वो यहाँ 18 अक्टूबर तक वक्री हैं, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको इनका लाभ मिलने लगेगा, धन की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी, साथ में संपत्ति की वृद्धि होगी यानी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। इसके बाद बुध जा रहे हैं तुला में, तो तुला में इनका 2 नवंबर से गोचर होगा, इस गोचर की बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा आपके शुरुआत में इस महीने में वो अपनी ही राशि में रहने वाले, तो किसी के साथ भी शुरुआत में अगर धन का लेन देन करते हो, कुछ ना कुछ ऑफिस का अगर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और थोड़े बहुत यहाँ पर समस्या आ सकती है, कोई डिप्रेशन वगैरह रह सकता है आपको या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या से आप ग्रस्त हो सकते हैं, तो यहाँ विशेषकर जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, साथ में सेहत को लेकर बहुत सारी समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। ये जो समय रहेगा इसमें आप निर्णय लेते समय काफ़ी ज़्यादा घबराएंगे या सही समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके बाद चंद्रमा यहाँ पर 3-4 तारीख के आसपास चेंज हो रहे हैं और वो आ रहे सप्तम में, ऐसे में आपको कोई अच्छे पार्टनरशिप का मौका मिल सकता है और सप्तम में इनके आने से हालांकि आपकी जो स्थिति है मैरिड लाइफ की काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद देखिए हम चंद्रमा की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले, ये 2-2.5 दिन में अपना गोचर बदल लेते तो ये आगे से आगे अपना गोचर ये कंटिन्यू करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सूर्य की बात हम करने वाले, सूर्य का गोचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सूर्य की जहाँ तक बात है 17 अक्टूबर तक ये कन्या में रहने वाले, तो ऐसे में ये यहाँ पर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं और बुध के साथ इनका रहना, हालांकि ये बुध खुद यहाँ पर वक्री स्थिति में है, ऐसे में 18 अक्टूबर तक वक्री हैं बट फिर भी सूर्य और बुध यहाँ पर साथ हैं तो रिसर्च या जैसे अकल्ट से संबंधित जो भी काम है उनमें काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको आपके इनलॉज से मदद मिल सकती है। जो मैंने अभी आपको बुध और मंगल का रिजल्ट बताया ठीक वैसा ही रिजल्ट इनका रहने वाला है। हाँ, सूर्य के यहाँ होने से जो लोग थोड़े से ओल्ड एज के हैं उनको कोई ना कोई हार्ट अटैक का खतरा या किसी अन्य प्रकार का खतरा या कोई एक्सीडेंट का खतरा बन सकता है। इसके साथ ही आप अपने इनलॉज से जो बातचीत करेंगे उसमें थोड़ा बहुत उनमें ईगो आ सकता है तो उनके साथ आपके रिलेशंस थोड़े बहुत बिगड़ भी सकते हैं। अब यहाँ से सूर्य क्योंकि वो सप्तमेश हैं, ऐसे में लाइफ पार्टनर के साथ आपका विवाद हो सकता है और लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है, साथ में आपके खुद के एक्सीडेंट वगैरह होने के भी चांसेस बनेंगे
और इस समय अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आने का यहाँ पर चांसेस रहने वाले। साथ में देखिए आपको धन की वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी और ये धन आपको पैतृक संपत्ति से या अपने इन-लॉज से मिल सकता है। तो सूर्य का जो अष्टम का गोचर है, सूर्य आपको अष्टम भाव के कार्यों में काफी ज्यादा धकेलेंगे। इसके बाद सूर्य जा रहे हैं आपके नाइन्थ हाउस में और वो यहाँ पर तुला में जाकर नीच के हो रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि फादर के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे आपके, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर की यात्रा करने वाले हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी तो यहाँ का जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तुला का ये सूर्य आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा, कुछ मामलों में आपको खराब रिजल्ट मिल सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं लंबा टूर करते हैं अपने पार्टनर के साथ या कोई विदेश यात्रा करते हैं, उसका जो पूरा फल है वो आपको ना मिले। साथ में अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है तो फादर के साथ थोड़े बहुत रिलेशंस में दिक्कत आ सकती है। तो ये स्थिति बनती है आपके लिए फिलहाल यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ देखिए सभी ग्रहों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और राहु और केतु की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। राहु केतु के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस पहले ही हो चुका है। तो अब देखिए राहु का जो मेष राशि का गोचर होगा उसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। साथ साथ में अब गुरु का जो गोचर रहेगा कुंभ का, उसका वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं अपने लगन के अकॉर्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ खराब और अच्छे दिनों की बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी आपको आने वाली है। तो चंद्रमा जब अपनी ही राशि में करक में वो जब ट्रांजिट करेंगे तो 1, 2, 28 और 29 तारीख का जो समय है इसमें धन के लेन देन को लेकर सावधान रहें। कोई शत्रु परेशान कर सकता है, किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, ये विवाद कोई प्रॉपर्टी का या किसी अन्य कार्य के लिए भी हो सकता है, तो आप कोई लीगल इश्यू का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी सेहत को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसके बाद देखिए चंद्रमा का जब विर्गो में ट्रांजिट होगा तो 5 और 6 तारीख को थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ सकता है, काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा और मन में थोड़ा सा घबराहट होना और थोड़ा ईगो आना, ऐसी कंडीशन बन सकती हैं। लेकिन चंद्रमा की ये जो स्थिति रहेगी ये धन लाभ के लिए भी अच्छी कही जा सकती है। इसके बाद चंद्रमा का जो सबसे ख़राब समय आपके लिए आएगा यानी इस महीने में 13 और 14 तारीख का जो समय है वो काफ़ी मेंटली डिप्रेशन आपको फील करवाएगा। और 13-14 को अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। ऐसे में आप जहाँ तक हो सके इन 2 दिनों में कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो वो स्किप कर सकते हैं। अब ये जो दिन है वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है, कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है सेहत के लिए, तो ये आपको सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। अब कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो बहुत ही अच्छे इस महीने में आपके लिए जाने वाले, तो आपके लिए अगर अच्छे दिनों की बात करें तो 3, 4, 7, 8, 11 और 12, ये 6 दिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आप अपना कोई भी कार्य संपादित कर सकते हैं। इन दिनों में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, आपका चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसा क्या है, उस हिसाब से, और आपको दशा और अंतरदशा कौन सी चल रही है उस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाले। तो फिलहाल देखिए हमने सभी ग्रहों के बारे में बात करी है, अच्छे और बुरे दिनों के बारे में बात करी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही।